हेलो फ्री फायर गेमर्स, वेलकम बैक टू जॉर्डन गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में और एक टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में, जो कि अपनी क्लैश स्क्वाड रैंक से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्लैश स्क्वाड रैंक के अंदर आफ्टर अपडेट बेस्ट गन है कौन से है, जिनको आप यूज़ करके जो अपना गेम प्ले है वो सुधार सकते हैं, बढ़िया गेम प्ले कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, जो मैं आपको गन्स की डिटेल्स इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मेरे साथ यार वीडियो में एंड तक बने रहना, और जो भी भाई हमारे चैनल जॉर्डन गेमिंग पर पहली बार आ रहे हैं, मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन याद से ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि हम फ्री फायर गेम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोज हैं जो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो यार अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। चलिए गाइस, वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। A few moments later. So guys, क्लैश स्क्वाड रैंक के लिए बेस्ट गन में से सबसे पहली जो बेस्ट गन आती है वो आती है अपनी MP5। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है MP5 जो गन है वो क्लैश स्क्वाड के अंदर काफ़ी यार बहुत तकड़ी चलती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, MP5 बहुत बढ़िया चलती है और बेसिकली ये एक SMG गन है, सब मशीन गन है फ्री फायर गेम के अंदर, और काफ़ी बढ़िया लगती है। इससे हेडशॉट जो है बहुत ही ईजी तरीके से लग जाते हैं, ड्रैग हेडशॉट मारेंगे तो बहुत ईजी तरीके से लगते हैं, क्योंकि स्मूथ बहुत चलती है यार MP5। तो यार MP5 आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, मतलब क्लैश स्क्वाड रैंक के अंदर जब भी आप रैंक पुश करें तो MP5 आपको चलानी चाहिए और इक्विप करनी ही चाहिए। बढ़ते अपनी अगली बेस्ट गन की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो नेक्स्ट गन हो जाती है वो हो जाती है बिजोन गन। जी हाँ गाइस, BIZON, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये OB35 अपडेट के बाद नई गन आई है अपने फ्री फायर वेपन्स कलेक्शन के अंदर, और गाइस ये गन बहुत ही बढ़िया है यार, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इसको, तो यार जरूर उठाया करो आप क्लैश स्क्वाड रैंक के अंदर, क्योंकि बहुत तकड़ी चलती है और ये एक SMG गन है जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सब मशीन गन है ये और नई गन अपने फ्री फायर गेम के अंदर। माना कि हमने नई गन है, लेकिन यार ये जो गन है ना बहुत तकड़ी चलती है, और ये अभी से ही जो UMP गन है ना उसको कंपटीशन दे रही है, क्योंकि यार मैंने खुद ट्राई करा है और बहुत बढ़िया चलाता हूँ यार मैं तो बिजोन गन, बढ़िया चलती है। आप भी जरूर यार एक बार ट्राई करके जरूर देखना, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हो गई अपनी बेस्ट गन में क्लैश स्क्वाड रैंक के लिए बिजोन गन। सो गाइज, मैंने अभी तक आपको दो शॉर्ट रेंज की गनें बता दी, मतलब SMG की गन बताती है, तो चलो आप थोड़ी लॉन्ग रेंज की गनों पे आ जाते हैं। ARMO वाली गन वो हो जाती है अपनी, जो बेस्ट गन आ जाती है वो हो जाती है M14। जी हाँ गाइज, चार्जर वाली। तो M14 जो गन है यार वो लॉन्ग रेंज के लिए और क्लैश स्क्वाड रैंक के अंदर ना काफ़ी यूज़ करी जाती है, और मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। मैं अपना ही एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ ज़्यादातर वीडियो में, क्योंकि यार जो बंदा एक्सपीरियंस प्लेयर होता है उसको पता होता है कौन सी गन कैसी चलती है, ये बात तो आप मानेंगे ही। तो गाइज, थर्ड पोजीशन पे यही हो जाती है, मतलब इनकी कोई पोजीशन नहीं, बस मैं आपको बेस्ट गन्स बता रहा हूँ, डिटेल उनकी दे रहा हूँ। तो M14 हो जाती है लॉन्ग रेंज के लिए एक गन, जो ARMO वाली गन है और बेस्ट गन भी है, और हाई डैमेज भी होता है यार इस गन का, 5-6 गोली मारो बंदा डाउन हो जाता है। तो यार जरूर आपको इसको चलानी चाहिए क्लैश स्क्वाड के गेम के अंदर, जो कि आपको सेकेंड या थर्ड राउंड में आपको मिलती है, मतलब जब भी आपके पास इतना गोल्ड होता है, अगर आप डायरेक्ट मतलब मैच जीतते रहते हैं, राउंड जीतते रहते हैं तो। तो भाइयों, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बेस्ट गन की, जो कि मैंने शॉर्ट गन से उठाने वाला हूँ। उसका नाम हो जाता है अपना टू शूटर गन, जो कि M1887 गन है। जी हाँ गाइस, इस अपडेट के बाद आपको OB35 अपडेट के बाद जो इस गन में है ना थोड़ा चेंज देखने को मिला होगा, थोड़ा डैमेज और इसका जो रेंज है वो बढ़ा दी गई है, जैसा कि मैंने इसके स्टेटिक्स में पढ़ा। तो ये गन काफ़ी सही चल रही है पिछली बार से, क्योंकि इसकी डैमेज और रेट ऑफ फायर बिल्कुल ही कम कर दिया गया था, और जो रिलोड स्पीड है वो तो चलो नॉर्मल ही है, लेकिन इसका डैमेज और रेट ऑफ फायर और रेंज कम कर दी थी। लेकिन अब अपडेट के बाद थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, एक बार ट्राई करके इसको जरूर देखना, क्योंकि M1887 क्लैश स्क्वाड रैंक के अंदर काफ़ी बढ़िया चल रही है, तो आपको जरूर चलानी चाहिए, इसको जरूर लेनी चाहिए। A few moments later. और गाइज, एक गन और है जो कि असॉल्ट राइफल में से आती है, वो इस अपडेट के बाद काफ़ी डेंजरस चल रही है यार। उसका नाम हो जाता है अपना फार्मस। जी हाँ गाइज, फार्मस जो गन है चार्जर वाली, जिसके तीन चिप लगी होती हैं, दो चिप लगी होते हैं, बहुत बढ़िया चल रही है यार फार्मस, आपको जरूर ट्राई करके देखनी चाहिए। और इस अपडेट के बाद तो यार उसे थोड़ा ओवर इंक्रीज कर दिया है फार्मस गन को, तो इसको भी आप जरूर लेना चाहिए। अगर आपके पास कम कोइन है तो मुझे लग रहा है दूसरे राउंड में आप फार्मस ले सकते हैं, अगर थोड़ी लॉन्ग रेंज की जगह आती है, जैसे क्या नाम है आपका ये पोचिनो आ जाता है, तो उस पर आप जो फार्मस गन है वो आराम से ले सकते हैं, और बढ़िया चलती है वो, तो ले सकते हैं। बिना चार्जर वाली है, चार्जर वाली दोनों ही बहुत ही बढ़िया हैं आप।
तो दोस्तों इस वीडियो की जो नेक्स्ट बेस्ट गन हो जाती है क्लैश स्क्वाड रैंक के लिए वो हो जाती है अपनी यूएमपी। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है यूएमपी गन तो यार पहले से ही बहुत बढ़िया चल रही है और इस अपडेट के बाद भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस यूएमपी गन स्किन की, यूएमपी गन की। तो आपको जरूर यार क्या नाम है इसके साथ गेम प्ले करना चाहिए क्लैश स्क्वाड रैंक के अंदर और अपनी रैंक है जो वो तेजी से पुश करनी चाहिए। जी हाँ गाइस, और आप मुझे लगता है ज़्यादातर यूएमपी लोग चलाते होंगे क्योंकि MP40 के बाद जो गन ज़्यादा चलती है SMG में वो यूएमपी गन है। और अब जो मैं बता रहा था जो बिजोन गन है वो यूएमपी को काफ़ी जो कॉम्पिटिशन दे रही है, मतलब क्या नाम है उसकी टक्कर की गन आई है बिजोन गन, बहुत बढ़िया गन है। जितनी भी मैंने इस वीडियो में आपको गने बताई हैं क्लैश स्क्वाड रैंक के लिए आपको जरूर यार वो ट्राई करनी ही करनी है। मुझे कमेंट में बताना है कि आप कौन सी गन ट्राई करते हैं इनसे अलावा। और बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना जिनके साथ आप क्लैश स्क्वाड रैंक पुश करते हैं, और अपना जो है फीडबैक मुझे जरूर देके जाना कमेंट सेक्शन में। चलिए गाइस मिलते हैं एक अनोदर नेक्स्ट वीडियो और एक अनोदर टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ।